लेकिन एमपी फकीर हुसैन जोगर कहते हैं कि जिस तरीके से राणा सनाउल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया है वो उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हुकूमत अपोजिशन को झुकाने में कामयाब नहीं हो सकती। फैसलाबाद लीगी एमपी फकीर हुसैन ढोकर की सिटी 41 से गुफ्तगू। फकीर हुसैन ढोकर ने राणा सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। जिस तरीके से राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया है वो काबिले मजम्मत है। मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी मुतहद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क्यादत में अराकीन और कारकुनान मुतहद हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। लीगी एमपीए फकीर हुसैन डोगर कहते हैं जिस तरीके से राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया वो इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुलरहमान से। अब्दुलरहमान बताइएगा मजीद क्या कहना था उनका। जी बिल्कुल, लीगी एमपीए फकीर हुसैन डोगर हमारे साथ मौजूद है और आज हम बात करेंगे फैसलाबाद की, पंजाब की बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर जो पीएमएलएन के साथ हो रहा है, जिस तरह से इनके लोग छोड़ रहे हैं, जिस तरह से इनकी लीडरशिप पर बुरा वक्त आ रहा है। तो इस हवाले से अभी जो लीगी कारकुनान लीगी अहदेदारान क्या सोच रहे हैं, डॉक्टर साहब आगाह कीजिएगा क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दो बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि आपने कहा है कि लीडरशिप पर मुकदमात बन रहे हैं और लीडरशिप इस वक्त जो है मुश्किलात का शिकार है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये जमातें जो होती हैं इन पर मुश्किल वक्त भी आते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान का मुल्क है इसकी ज़रा तारीख को उठाकर देखें तो आपके इस तरह के वाक़ा से ये तारीख भरी बड़ी है कि जब भी किसी जमात को गराना होता है, किसी जमात को मुश्किल में डालना होता है, उसको तोड़ना होता है तो किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो उस दिन कहा गया था कि इमरान खान के साथ 15 मेंबरों ने सूबाई असेंबली में मुलाकात की है, उसकी जब हकीकत को देखा गया तो 4-5 से ज़्यादा नहीं थे। जो थे उन्होंने भी आकर मार्डर टोन में ये बात कही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने कलमा पढ़ाया, उन्होंने कहा कि हम जमात के साथ हैं, जमात का साथ देंगे। अभी ये कह रहे हैं कि 37 का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, लेकिन ये जमा खर्च के अलावा बातों के अलावा मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ नवाज शरीफ की क्यादत में, मियाँ साहब की, छोटे मियाँ साहब की क्यादत में मुतहद है और इंशाल्लाह ताला कल शेख रशीद साहब कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि 9 आदमियों ने जोगर पहन लिए एमएनए ने, कल कह रहे थे कि वहाँ पर ग्रुप नहीं बन सका। तो इस तरह आप देखेंगे ये अजलास मेरे ख्याल गालबन 15 तारीख को हो रहा है 22 असम्बली का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पूरी ताकत और कुव्वत के साथ मियाँ नवाज शरीफ की क्यादत में इंशाल्लाह ताला उनके साथ खड़ी है। बाकी रहा यहाँ तक ये रियासी जबर हकूमत की लाकानूनी का मसला, तो वो आपने देख लिया है। ये जिस तरह राणा साहब की गिरफ्तारी हुई है ये बड़ा दिलखराश वाक़िया है और लाकानूनीत की बदतरीन मसाल है इस हकूमत में। अभी ये कह रहे थे कि हम कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे थे। तभी वो मरियम साहब का आज का जलसा है तो वहाँ पे उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, बल्कि ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया है, रुकावटें डाली जा रही हैं, आदमियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इस तरह की हरासमेंट फैलाई जा रही है कि लोग पार्टियों को छोड़कर वफादारियाँ तब्दील कर लें। लेकिन वक्ती तौर पर मुश्किल हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला पार्टी अल्लाह के फजल के साथ पूरी ताकत और कुव्वत के साथ नवाज शरीफ के साथ खड़ी है और ये इनकी तमाम कोशिशें नाकाम होंगी, मुस्लिम लीग दोबारा इख्तदार में आएगी और आवाम की खिदमत करेगी। जी बिल्कुल, इस हवाले से लीगी एमपी फकीर हुसैन डोगर कहते हैं कि बुरा वक्त। जी ठीक है अब्दुलरहमान, बहुत शुक्रिया आपका। वापस